हेलो दोस्तों, शडी मूड में आपका स्वागत है। सभी अभ्यर्थी जो बिहार के अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कुछ बिहार पुलिस कांस्टेबल, कुछ दरोगा, कुछ बीपीएससी और बहुत सारे अभ्यर्थी रेलवे में अपना होप लगाए बैठे होते हैं, मैं जॉब लेकर देश की सेवा करूंगा। क्योंकि हर आपको जो भी क्षेत्र में आप जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका मन ये होता है कि मैं देश का फाइनली सेवा भी करूंगा, एक सज्जन पुरुष बनूंगा और साथ में अपने फैमिली को भी देखूंगा। ठीक, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आप सभी को पता है कि पटना में अभी 5 फरवरी तक धारा 144 लागू हो चुका है, यानी कि एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है या कोई भी लोग उकसाता भी है तो उन पर डायरेक्ट FIR कर जेल में डाला जाएगा। तो अभी तो ये आप लोग को मैं नोटिस डाल दिया था टेलीग्राम में भी। टेलीग्राम में एक भर्ती से रिलेटेड जो आपको टेक्नीशियन है उससे रिलेटेड भी मैंने नोटिस डाला था। ALP का मामला है, आप सभी लोग जानते हैं कि ALP की सीट बढ़ाना है और बहुत दिनों बाद भर्ती आया है। इसमें तो छूट दे दिया है रेलवे, लेकिन आपको भर्ती नहीं बढ़ाया अभी तक। उसी को लेकर लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे पटना में अलग अलग जगह पर, और उसी को ये ध्यान में रखते हुए ये आपको धारा 144 लागू कर दिया गया है। ठीक, तो अभी आप इकट्ठा नहीं हो सकते, 5 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, तो उस आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा बहुत से ऐसे इनोसेंट लोग को भी, ऐसे लोग देखे धरे हैं, ठीक, जो मीडिया में आकर बाइट देते थे। मैं भी आज ही आया हूँ घर से, गला फंसा हुआ है, तबीयत भी थोड़ा खराब है, बट कल से आपका क्लास एकदम कंटिन्यू हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक, जितने भी अभ्यार्थी हैं, जो भी ट्यूशंट वाले अभ्यार्थी, सबका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। जो होमवर्क मिला है वो कर कराइएगा, मैं आपको क्लास लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वो क्लास है, वो ऑफलाइन क्लास नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास है। ठीक, आज हम बात करते हैं कि ये जो नई भर्ती आया है इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं ये पहले निकाल चुका हूँ। जब भर्ती आया था 2018-19 में, तो सीटों की संख्या भी कम था, क्योंकि उस समय ALP की संख्या जो भर्ती का था बहुत बड़ा भर्ती था। ठीक, लेकिन टेक्नीशियन कम था। इस बार टेक्नीशियन आपको भर्ती आया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ले रहा हूँ और डाउनलोड कर मैं खोल कर आपको बता रहा हूँ कि इसमें कब कब बताया गया है कि ये फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और आगे बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी भी आपका भी बारे में हम बात लेंगे, आपका भी जो बात है उसको लिया जाएगा, चिंता मत कीजिए, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन कोई भी काम किया जाना चाहिए शांति तरीके से। अगर मेरे द्वारा कोई भी ऐसा काम किया जाता है जिससे लड़के फंस जाएंगे या उनका कैरेक्टर लॉस होता है, तो मैं वो काम नहीं करता हूँ। ठीक, वो इसलिए नहीं काम करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक बार जब आपका करेक्टर खत्म होगा, यानी अगर ये वाला करेक्टर नहीं, करेक्टर ढीला है, वो वाला नहीं, वो आपको जो प्रशासनिक सेवा में जाते हैं और वो करेक्टर नहीं खत्म होना चाहिए, उस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको फिर बाद में निकाल दिया जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाता है, जब आपको थाना वेरिफिकेशन करता है। तो सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे का आपको रिक्रूटमेंट है, भर्ती है, CN नंबर आप देख सकते हैं 02-2024, यानी 2024 का आपको पहला भर्ती तो जानते ही हैं ALP, दूसरा भर्ती आप देख सकते हैं अबाउट 9,000। और अभी RPF का भी भर्ती आएगा, जो वो जो चल रहा था वो फॉल्स है, अभी जो जानकारी मिल रहा है RPF का भी भर्ती आएगा, कॉन्स्टेबल और आपको SI दोनों RPF में, लेकिन वो सब छोटा छोटा भर्ती रहते हैं। लड़के ITI कर अपना आस लगा कर बैठे थे कि ALP का बड़ा भर्ती होगा और उसमें बढ़ोतरी भी होगा। पब्लिकेशन जो नोटिफिकेशन होगा फरवरी 2024, यानी इसी महीने में आपको आ गए, अब तो कुछ ही समय में आपको फरवरी आ ही ना जाएगा। सबमिशन ऑनलाइन का लास्ट डेट जो होगा मार्च, आपको अप्रैल 2024, यानी जो अप्रैल मार्च में आपको ये चीज देखने को मिलेगा सबमिशन करने के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT आर टेंटेटिव शेड्यूल टू हेल्ड बिटवीन अक्टूबर दिसंबर 2024 में ये चीज आपको देखने को मिलेगा, CBT का एग्जाम, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी जो रिलीज होगा वो 2025 में, यानी फरवरी 2025 में, यानी कि ओवरऑल एक साल में सभी प्रक्रिया, एक साल आप देख रहे हैं ना, एक साल में प्रक्रिया पूरा करना है। और ये बोले हैं कि हम हर साल भर्ती देंगे, यानी कि ये जो साइकिल होगा ये 2025 में फिर आएगा नेक्स्ट भर्ती, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2025 में एक भर्ती और आएगा, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हर साल हम भर्ती देंगे। ठीक, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप लोगों ने जो भी बोला ठीक है, एक मिनट, क्लास करा रहे हैं, जो भी आप लोगों ने किया हो तो एक ठीक है, बट जो ALP वाले भी लड़के डिमांड कर रहे थे उनका जायज डिमांड है, कम से कम उस पर विचार करना चाहिए सरकार को, केंद्र स्तर के सरकार को, रेलवे सरकार को, और जो मांग कर रहे हैं उनका पूर्ति करना चाहिए जहां हद तक हो सके, कम से कम कुछ तो करना चाहिए जिससे वो पॉजिटिव दिमाग में अपना बैठा पाए और उनका भी उनके साथ भी न्याय हो पाए। चलो हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका जो फाइनली रूप से जो रेलवे वाला हो गया, तो इसमें फॉर्म वही भरते हैं जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो आपको ISC होता है, यानी इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए रहते हैं, उनको मौका मिल जाता है इसमें फॉर्म डालने का, एक बात समझ लीजिएगा, तो वो फॉर्म भरेंगे। अच्छा खासा कंपटीशन होता है, लाखों की संख्या में लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, जॉब भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट भी ठीक ठाक है, प्रमोशन भी ठीक ठाक है, इंटरनल एग्जाम भी होता है समय से,
ध्यान में रखना होगा कि अपना जोन भी चूज करना होगा ध्यान से कि किस जोन में जान रहे, किस जोन में डाल रहे, कट ऑफ क्या होगा। अलग अलग जोन वाइज वेरी करता है। जब भर्ती आएगा तो मैं आपको इसके बारे में पूर्णता जानकारी दूंगा, क्योंकि ये चीज मैं कर चुका हूँ, ये सब फाइनल हो चुका है, तो फिर मैं इस बारे में जानकारी आप लोग को दे सकता हूँ और बता सकता हूँ। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो इसमें साइंस का सेक्शन जो होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस, वो और फिर रीजनिंग प्लस मैथ, ये तीन चीज पर अगर आपका पकड़ है ना, तो आप इसमें आराम से अपना पताखा लहरा सकते हो, इसमें अपना स्थान बना सकते हो। ठीक, अब जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो एक डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अभी ये नहीं है कि सब चीज अभी बता दिया जाए, क्योंकि कुछ अगर बदलाव करता है या कुछ भी, अभी बदलाव तो नहीं करना चाहिए, इसमें भी छूट मिलना चाहिए जो लड़के डिमांड रखे हैं। तो मुझे लगता है सब चीज आपकी बातें इसमें मानी जाएगी, लेकिन एएलपी पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, एएलपी पर भी। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती का। तो हम लोगों का ट्विटर कैंपेन होगा कि नहीं होगा, देखो मैं कुछ जो है अधिकारी है उनसे बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग के जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का मांग है, अगर वो उस श्रेणी में नहीं आता, उकसावे की श्रेणी में, तो हम लोग जरूर ट्विटर कैंपेन करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और हम लोग अपना बात ट्विटर कैंपेन के माध्यम से 5 फरवरी को रखा जाएगा, 5 फरवरी को नहीं तो 6 फरवरी को रखा जाएगा। मैं जानकारी ले रहा हूँ, कुछ कॉल उल इधर किया हूँ, और जानकारी लेने के बाद मैं आपको, हम लोग अपना बात जरूर रखेंगे, क्योंकि हम लोग अपना बात रख रहे हैं। क्या बात रख रहे हैं, लेकिन हम लोग का एग्जाम डेट जारी कर दो बस, और कुछ नहीं, कि एग्जाम डेट के बारे में बताइए या कैलेंडर जारी कर दीजिए, क्योंकि नई भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती भी रुका हुआ है, नई भर्ती 2024 ये भी रुका हुआ है। सो ये एग्जाम अगर कंडक्ट कराया जाता है सेफ तरीके से, तो आपको ये भी भर्ती, अभी आप लोगों ने देखा जेएसएससी यानी झारखंड एसएससी में देखा क्या हाल हुआ है, यानी कौड़ी के दाम से पेपर बेचाया है। कौन सा पेपर भैया? 2 सचिवालय वाला, मतलब समझ लो कितना बड़ा जॉब का पेपर, और वो उस तरीके से लिख हुआ है जैसे कि गैस लीक होता है सिलेंडर से एलपीजी का, तो वो भी देख रहे हैं। वहां भी एग्जाम आपको रद्द कर दिया गया है, और फिर से एग्जाम डेट आपको निकाला जाएगा। वहां के स्टूडेंट जो आपको हैं, यानी कि यूनियन जो है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन यहां पर जब बात आता है कि लड़के मुद्दा उठाते हैं, कुछ स्टूडेंट लीडर मुद्दा उठाते हैं, तो मुझे दुख उस बात का होता है कि आप ही लोगों में से बहुत से लोग इसका दरकिनार कर देते हैं अपना फायदा के लिए, कि मेरा एग्जाम तो अच्छा गया है, फिर बाद में जाकर आप वो चीज भुगतते हैं जो नहीं भुगतना चाहिए। यानी आपके साथ भी वैसा ही होता है, फिर फाइनल आपको भी बाहर कर दिया जाता है कुछ ना कुछ लगाकर। तो मैं बोलूंगा अपने में यूनिटी बनाकर रखिए, और ये नई भर्ती रेलवे का है, इसमें जरूर फॉर्म भरिएगा, अभी तो समय है, और इसमें सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया मैं बताऊंगा, साइंस का सिलेबस, रीजनिंग, मैथ, सभी हम लोग टीचर मिलकर आपको करा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो जाएगा। बैच लूसेंट वाला मैं बता दूं कि कल आपको होने वाला है, आपका अपना तैयारी रखिएगा, जैन धर्म है, और जो भी आपको मिला हुआ है होमवर्क, बिहार दरोगा का भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेंस के लिए कुछ आप लोगों के लिए कुछ सेवा हो सके। बात रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग क्या करें, तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कल तक आपको जानकारी दे दूंगा, कल तक कंफर्म जानकारी दे दूंगा जो भी मुझे मिलेगा जानकारी, और हम लोग अपने शांति तरीके से बात डिजिटली रूप से रखेंगे, मतलब अभी हम लोग को फिजिकली नहीं उतरना है, डिजिटली रूप से रखना है। ठीक, और हमारा बस एक ही डिमांड है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट जारी कीजिए। सभी बंधुओं से निवेदन है कि बात में बात मिलाइए, और बात का वजन बढ़ाइए, और सभी स्टूडेंट का जो बात है अपना पटल पर रखिए। और आप लोग पूछ रहे थे, जो भी जानकारी मैंने दे दिया छोटे से वीडियो के माध्यम से, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2024 में ही नई भर्ती आएगा, चिंता मत कीजिए, बट उससे पहले 21,391 भर्ती क्लियर करना पड़ेगा, यानी कम से कम रिटर्न, तो रिटर्न क्लियर कराने में सभी लोग जो भी फॉर्म नहीं भरे वो भी साथ दीजिए, और जो फॉर्म भरे हो तो साथ देंगे ही देंगे। तो तैयार रहिएगा, मैं आपको कल वीडियो जारी करता हूं, उसमें सभी संपूर्ण जानकारी मैं देता हूं। ठीक, बाकी अगर आप लोग इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखिएगा, यानी ये टेक्नीशियन भर्ती कितना पेमेंट मिलता है और क्या है, ये जरूर लिखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग 2 लड़के थे, पटना ही रहते थे, और एक लड़का अभी जो है मेरा, मतलब मेरा पार्टनर या दोस्त बोलिए जो भी बोलिए, वो अभी टेक्नीशियन में है। ठीक, यानी कि अभी टेक्नीशियन में जॉब कर रहे हैं, जल्दी छोड़ने वाले भी हैं पर कर रहे हैं, और मेरा जो काम था मैं तो कर ही रहा हूँ। यानी 2019 में एलएलबी करने चला गया और उनका ज्वाइनिंग हो गया, यानी 2019 में 18 में ही भर्ती आया था, आप लोग पता होना चाहिए, तो उनका ज्वाइनिंग हो गया, और ये एग्जाम जो हुआ था, हम लोग एग्जाम देने हैदराबाद गए थे CBT 1, मुझे आज भी याद है। तो बड़ा दूर दूर तक एग्जाम सेंटर देता है, ट्रेन भी फ्री करता है, आप लोग पता होना चाहिए। तो तैयारी में भरपूर लगे रहिएगा, जो भी जानकारी है मैं दे दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में 100 से ज्यादा यस लिखते हैं, यानी इच्छुक कैंडिडेट होंगे तो। और फिर मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि एलपी का भर्ती बढ़ाना चाहिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप लोग चिंता मत कीजिए, भर्ती होते रहेगा, और बस जो ये तो फंसा हुआ है, जो हम लोग बदलाव करने की अपना इच्छा प्रकट किए हैं, जो आपको सबमिशन किया गया है कि इस चीज पर आप बदलाव कीजिए, लड़कों के हित में अगला नोटिस निकाल लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल CSBC से, आई होप जरूर आपको कुछ अच्छा चीज देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी बहुत अच्छा चीज देखने को मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कल मैं आपको लाइव आकर आप लोगों के सभी सवालों का आंसर दूंगा, अभी मैं थोड़ा रख रहा हूँ क्योंकि गला भी फंसा हुआ है, रख के रहा हूँ, फोन नहीं है, रख रहा हूँ, मतलब बंद कर रहा हूँ यहीं पर, और अपना ध्यान रखिएगा, तब तक जय हिंद।